आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा स्वागत किया आपने हमारा, यात्रा का पूरा दम आपने यात्रा में डाल दिया। एक साल पहले हमने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्योंकि देश में बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर परिवार में लड़ाई होती है, भाई भाई ठहर जाओ, अगर परिवार में लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई को मारता है, तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है? कमजोर होता है। तो अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम क्या होता है? देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना, यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमीटर, और सिर्फ मैं नहीं चला भाइयों और बहनों, लाखों लोग चले हैं। मीडिया में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है, मगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया, मोहब्बत का मैसेज गया, नफरत के खिलाफ मैसेज गया, और इससे देश मजबूत हुआ। जैसे ऐसी भीड़ है वैसे ही यात्रा में मैं चल रहा था, भीड़ थी, एक व्यक्ति को मैंने देखा उधर से आने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको मारा, गायब हो गया। फिर वो दूसरी साइड से आया, फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते हैं उन्होंने मारा उसको, फिर गायब हो गया। तीसरी बार मैंने उसको यहां देखा, पुलिस वालों को धकेल के, अकेला 10-15 पुलिस वालों को धकेल के मेरे सामने खड़ा हो गया पिछली यात्रा में, और कहता है, सुनो, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, ऐसे कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर कहता है मुझे, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। मतलब नारा हमने नहीं दिया, नारा भीड़ के दिल में से निकला है, और भीड़ और जनता समझ गई कि भारत जोड़ो यात्रा क्या करने की कोशिश कर रही है, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब पहली यात्रा में से एक सवाल उठा, और मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, पूछा, देश में नफरत फैल रही है, और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है, और मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा, भाई नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलत फहमी में मत रहो, वोट बैंक नहीं है ये, और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने, राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है, किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, और न्याय को
जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पे शांत हो जाए थोड़ा, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, यहां पे हिंदुस्तान में पिछड़े लोगों की कितनी आबादी है? 73। कितनी आबादी है? कितनी है? 73। पिछड़ों की 50% आबादी है, ठीक है, ठीक है। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। 5% नहीं भाई, 15%। सब माइनॉरिटी को मिला दो, 73। सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सबको मिला दो, इनकी कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 8%। 50 और 15 कितना होता है? 65 और 15 कितना होता है? 80 और 8 कितना होता है? 88 ना, ठीक है। तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो, ठीक है, उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। छोड़ो, शायद आप लोग 90% लोग कहते भैया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, मालिक नहीं बनना चाहते, मालिक बनने का दम नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं? 0। तो प्राइवेट कंपनियों, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में